अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पबजी का लैग फिक्स हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों का यही मसला है कि हमारा जो पबजी है बहुत लैग करता है। तो सबसे पहले आपने ये कर लेना है कि आपके ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसमें जो पीएम लूप 7.1 है उसका लिंक होगा उस वीडियो का, तो देख लें जाके कैसे डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। तो वो इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना गेम लूप ओपन कर लेना है। यहाँ से गेम लूप ओपन करने के बाद आपने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आके आपने इंजन में आ जाना है। इंजन में आके आप सबसे पहले अभी मैं आपको इधर की फिल्म बताता हूँ। ये तो ड्रेड टैक्स है ना, ड्रेड टैक्स प्लस और ड्रेड टैक्स, ये आपके सीपीयू की पावर कंज्यूम करता है। अगर आपका सीपीयू बहुत पावरफुल है तो आप इसको इस पे रखें, अगर आपका जीपीयू पावरफुल है तो आप इसको इस पे यूज़ करें ओपन जीएल, ठीक है। अगर नॉर्मल है, जीपीयू भी नॉर्मल है सीपीयू भी नॉर्मल है, तो आप डायरेक्ट टेक्स ओपन जी एल या डायरेक्ट टेक्स प्लस रख सकते हैं, ठीक है। ओपन जी एल प्लस नहीं रखना क्योंकि उसमें ग्राफिक की रेंडरिंग सही नहीं होती। तो जिन भैयों के पास कार्ड भी नहीं लगा और सिस्टम थोड़ा बहुत सही है तो उनको करना ये है कि उन्होंने स्मार्ट मोड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, ये सबको टिक रहने देना है। इसको टिक करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना हल्का फुल्का फ़र्क है तो फ़र्क नहीं। तो उसके बाद नीचे आना है, इंटेलाइजिंग में क्लोज़ कर दें, मेमोरी को ऑटो पर रहने दें, प्रोसेसर को भी ऑटो पर रहने दें, रेजोल्यूशन आपके जो पीसी वगैरह की है वो रख लें और डीपीआई 240 कर दें क्योंकि उससे आपका जो गेम का लैग है वो थोड़ा कम होगा। फिर आपने गेम में आ जाना है। गेम में आके अब आपका पीसी के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका पीसी थोड़ा अच्छा है तो 1080 रखें, आपका कार्ड अगर 660 है या इससे ऊपर है तो आप 1080 रखें, ठीक है। अच्छा अगर थोड़ा कम लेवल का है तो आप 720 कर लें। और उसके अलावा डिस्प्ले क्वालिटी ऑटो रखें या 1080 HD रखें, कोई मसला नहीं। नीचे से फ्रेम पर सेकंड 90 FPS कर दें, ठीक है। ये सब कुछ करके आपने बस सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने अपने नीचे टास्क बार में सर्च में आ जाना है। सर्च में आके आपने लिखना है पावर स्लीप सेटिंग, ठीक है। ये आ जाएगा पावर स्लीप सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है एडिशनल पावर सेटिंग्स में। फिर आपका जो डिफ़ॉल्ट पे होगा वो बैलेंस्ड होगा, आपने हाई परफॉर्मेंस में कर देना है, सही है। ये करने के बाद आपने आ जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने क्लिक करना है डिस्प्ले सेटिंग में, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग में करने के बाद नीचे आना है ग्राफिक सेटिंग में। ग्राफिक सेटिंग में आके आपने ये इस तरह मैंने खुद डाला हुआ है, मैं बताता हूँ। ये देखें डेस्कटॉप ऐप माइक्रोसॉफ्ट ऐप, अपने डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक करके ब्राउज करना है आपकी गेम कहाँ पर पड़ी हुई है। अब मेरी इस तरह सी में पड़ी हुई है तो मैं इसमें आऊँगा, UI में आऊँगा, एंड्रॉयड एमुलेटर जो है ना इसको ऐड कर दूँगा इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दूँगा, सही। तो उसके बाद मैं आपको अपना सिस्टम दिखा देता हूँ। तो ये देखें आप मेरा जो ग्राफिक कार्ड है GTX 960 है, ठीक है। तो आपको मैं NVIDIA की सेटिंग के साथ बता देता हूँ क्या करना है। आपने अपने NVIDIA का जो कंट्रोल पैनल है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है मैनेज 3D सेटिंग में, ठीक है। फिर प्रोग्राम सेटिंग में आना है। फिर यहाँ से आपने आके ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने अपना जो गेम लूप होगा ना, कहीं पर पड़ा हुआ आपका गेम लूप फर्ज करें ये पड़ा हुआ, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने नीचे आना और ओपन जी एल रेंडरिंग GPU जो है उस पर आपने अपने ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पावर मैनेजमेंट मोड पे आपने प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे कर देना है। और इधर से आपने टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी जो है वो हाई परफॉर्मेंस पे रख देनी है, ठीक है। तो ये सेटिंग आपने करके बस सेव कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने गेम लुक में आ जाना है। अंदर की सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो दोस्तों ये देखिए मेरी गेम ऑन हो रही है। तो इससे पहले आपने एक काम करना है भाइयों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड जो भी गेम से रिलेटेड होगा, ट्रिक्स वगैरह होंगी, वो आप सबको इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तो उसके बाद आ जाते हैं अपने गेम लूप में। देखें गेम लूप ऑन हो चुका है। इसके बाद आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में आपके ग्राफिक में आना, ठीक है। आपने रखना है स्मूथ पे, कलरफुल, इंटीलाइजिंग ऑन ऑफ रखें, कोई फ़र्क करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है। नीचे से इसको बंद रखना, ठीक है। और ओके करके आप गेम खेलें, आपकी गेम इंशाल्लाह बहुत स्मूथ चलेगी।
ठीक है, और खेलना है अपने स्मूथ पे, अगर आपको लैग का मसला आता है ना तो आपने स्मूथ पे खेलना है, सही है। और आपको ये मसला आ रहा होगा FPS, अभी देखिए मेरे 58 दिखा रहा है, ये मसला आता है इसमें, ठीक है। आपने सेटिंग में जाके ना करना है, ये गेम में आना है तो ये इसको 60 कर दें, वापस 90Hz करेंगे, सेव कर दें, वापस जब दोबारा गेम रिस्टार्ट करके ऑन करेंगे तो आपके FPS जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों यही वीडियो थी आज की, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए काम करती है ना ये ट्रिक तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अल्लाह हाफिज़।